रूसी हमलों की आशंका के बीच पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट। यूक्रेन में चारों तरफ बज रहे हैं एयर अलर्ट सायरन। यूक्रेन में कभी भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है रूस। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी को बड़े हमले का इनपुट। बड़ा हमला कितना बड़ा हो सकता है? अभी तक जितना हमने देखा है उससे भी ज्यादा बड़ा हमला हो सकता है क्या? किन जगहों को निशाना बनाया जा सकता है क्या? कीव में, और कीव में वो जगह भी हो सकती है क्या जिसको एक तरीके से किले में बदला गया है, जहां ज़ेलेंस्की और उनके सहयोगी रहते हैं। लेकिन सहयोगी तो अब एक एक करके उनको छोड़ रहे हैं, और इतने महत्वपूर्ण सहयोगी या तो वो छोड़ रहे हैं या उनके ऊपर गंभीर इल्जाम लगे हुए हैं। इस बात को समझते हैं जरा। और क्या इस समय, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने घर में इन समस्याओं से दो चार हैं, रशिया वाकई इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकता है? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की एक करप्ट रिजीम पर प्रेजाइड कर रहे हैं, ये हम सबको मानना होगा। वो एक तानाशाह, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। है ये भी मानना होगा, उनका सरकार पे, उनकी जनता पर पूरी तरह नियंत्रण है, वो एक डिक्टेटर की तरह। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब वहाँ की लोकसभा या जो पार्लियामेंट है उस पे और प्रधान प्रेसिडेंट खुद एक ही पार्टी के हैं। तो और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 180 देशों के रैंकिंग में यूक्रेन का 122वां नंबर आता है, तो यानी वो करप्ट रिजीम है। इसके पहले पेत्रो पोरोशेंको हुए, उनको भी इसी करप्शन के इस पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उनको वापस बुलाया था या उनको हटाया था। उसके पहले जो जितने भी नेता रहे, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। रही बात जो उनके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके अपने लोग छोड़ के मुद्दा तो हर जगह रहा है। अलेक्सी नवलनी की निगाहों से देख लीजिए तो आपको वहां पुतिन भ्रष्ट नजर आएंगे। जितने भ्रष्ट पुतिन है, मैं वही आ रहा था, जितने भ्रष्ट पुतिन है शायद उससे ज्यादा वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के आसपास वाले लोग हैं। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था करप्शन के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से उनके लोग रिजाइन कर रहे हैं या रिजाइन करवाया जा रहा है, खासकर किरिल तिमोशेंको, देखिए उनके पॉपुलर फेस थे, उन पर इल्जाम क्या था कि उनको एक SUV मिला था जो ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के लिए था, उसको वो पर्सनल वे में यूज कर रहे थे। इसी चीज को देख के जितने भी उनके साथ के लोग हैं, उनको विदेश जाने से रोक दिया जा रहा था, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टीज में कि अगर सरकार गिरी और अगर नई सरकार आई या कुछ भी ऐसा हुआ तो वो वहां जाके बस जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा अंडरकरेंट चल रहा है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।